भले ही ना डाले, यादें तो रहेंगी। दिल्ली के लिए निकल गए, ये हमारी बस है, हमारे कंडक्टर है, इन्हें हमें 33 रुपये भी दिए नहीं है हमारे। कुछ देर बाद मिलते हैं ब्रेक के। जब हमें हो जाओ उस तगड़ा, अभी अगर ये बस रुक गई तो हम कुछ ब्रेकफास्ट करेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे। ये हमारी बस है, ये हमारे पगलट क्या है तू, व्हाट इज यू, गेट आउट फ्रॉम माय लाइफ। पैसेंजर्स 500 भी देंगे। हम आवे अलीगढ़, और अलीगढ़ में इस ड्राइवर ने कर दिया। हमें आना, हमें लगा ले जाएगा बाईपास हो गए, और ये ले जा रहा है हमें अलीगढ़ के अंदर हो गए। अब मन कर रहा है इस बस वाले को पकड़ के बांध के डाल दूं पीछे, मैं चलाऊं बस, ये एडवेंचर हो जाएगा और सबकी जान सूख जाएगी। अलग तोबा तोबा तोबा, थोड़ा मूड खराब कर दिया यार। तो दिमाग खराब है, अब ये बस रुके बस अलीगढ़ में कहीं, भूख भी लग रही है क्योंकि सफर हो गया स्टार्ट और भूख भी लगने हो गई है स्टार्ट, तो सफर शुरू हो गया। तो जैसे कि हम अभी यहाँ पर खुर्जा से पहले एक स्टॉप पर गए थे सिकंदराबाद, वहाँ पर हमने कुछ खाया पिया। बाहर के नज़ारे देखो, एकदम बारिश हो रही है तगड़ी वाली, और ये हमारे वॉल्वो वाले भाई साहब जहाँ बहुत स्लो चल रहे हैं, और ये देखो हमें भाई ये कर रहे थे सबसे बात। बड़ा पागल है कह रहा यार, अब हो तो गए, अब क्या करूं मैंने भाई। हम आ गए हैं आनंद विहार उतर गए बस से, और अभी हम कश्मीरी गेट के लिए बैठ गए हैं, लेकिन हमने गलती कर दी, हमें मस्जिद के टीले के लिए बस पकड़नी थी, पर हमें पता नहीं थी तो हम कश्मीरी गेट के लिए बैठ गए। अब कश्मीरी गेट से हमें मजनू के टीले के लिए बस पकड़नी पड़ेगी, वहाँ से हमारी बस है। बस का हमारा जो पिकअप पॉइंट था वो चेंज कर दिया, पहले कश्मीरी गेट का तो मजनू के टीला कर दिया, अब वहाँ से हम लोग मजनू के टीले से हमारी बस है वॉल्वो, वो है 5:20 पर, तो देखते हैं टाइम से पहुँचने की पूरी कोशिश करते हैं। अभी बज रहे हैं, अभी तो टाइम बचा है 3:40 बज रहा है, तो वही रहता है। और ये हम दिल्ली पहुंच गए, और यहाँ पे हो रही है बहुत तेज़ बारिश, और बारिश का कुछ ऐसा सीन हुआ है कि हम जैसे ही कश्मीरी गेट पे पहुँचे हैं वहीं पे हो गई बारिश स्टार्ट, लेकिन अभी सीन ये है कि 5:20 पे आनी है हमारी बस, और हम 5:07 पे आ गए यहाँ पर, कहाँ पर है मजनू के टीला, क्योंकि हमारी बस का रूटीन चेंज हो गया, और हम मजनू के टीला से हमारी बस है तो हम वहीं से बस पकड़ेंगे। अभी देखते हैं बस का इंतजार कर रहे हैं, बारिश बहुत तेज़ हो रही है, यहाँ पे बहुत से लोग खड़े हैं जो जाने के लिए। विक्की की कॉल भी आ रही है, और ये देखो विक्की की कॉल आ रही है। विक्की हमने विक्की से कहा था बहुत दिनों से कि तू चल भाई हमारे संग चल, कहता है इंतजाम नहीं हुआ। हमने कहा इंतजाम तो हो जाता है भाई, जैसे ही तुम पैसों का इंतजाम करो हो जाएगा। अब कोई सेंस है इस बात की, कहता है आज के टाइम जब हम दिल्ली आ गए कि यार मेरा पैसों का इंतजाम हो गया, मैं आने वाला हूँ, तो हमने बोला आ जा जब तेरा आने का मन है तो, लेकिन तेरे को अब रात में ट्रैवल करना पड़ेगा अलग बस से, उसकी 10 बजे बस है लास्ट कश्मीरी गेट से, तो देखते हैं क्या सीन रहता है उसका। ये सभी लोग बस का इंतजार कर रहे हैं कि कब बस आए और कब हम बैठे हैं। तो देखो हम लोग मंजू के टीला पे खड़े हुए थे, और क्या बोला तूने, यहाँ पे हमारी बस आ चुकी है, और हमारी बस आई है 5:28 पर, मतलब सही टाइम पर आ गई। अब यहाँ पर बारिश थोड़ी सी कम हो गई है, अब देखते हैं बस में क्या सीन रहता है बस का। बस तो बढ़िया लग रही है, मलाना ट्रेवल्स, बजट में है बस, बस की कंडीशन भी ओके लग रही है बाहर से, तो मैं आपको बस दिखाता हूँ। ये देखो ये खड़ी है हमारी बस मलाना ट्रेवल्स, यहाँ पर अभी ये लोग कुछ कर रहे हैं सामान वामान का, सीन चल रहा है इनका कुछ अलग। तो कैसा लग रहा है तुमको, हमारी बस आ गई और बहुत मज़ा आने वाला भाई। ट्रिप 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 ट्रिप, एकदम से सडनली भाई ने मेरे साथ प्लान कर लिया,
बहुत बढ़िया सीन, एकदम एक नंबर। ये हमारी बस, और बस देखिए कुछ इसके तरह है भाई, क्या कारपेट है, मस्त एकदम लग्जीरियस भाई, बहुत सॉलिड यार। ये देखो ब्लैंकेट भी अवेलेबल भाई। ये हमारी सीट है, चार्जिंग का नहीं है। ये हमारी ये है, चार्जिंग का सॉकेट होना तो चाहिए भाई। चार्जिंग सॉकेट तो हमें दिख नहीं रहा है यहाँ पे, ये दिक्कत होगी बस। बहुत ज़्यादा दिक्कत है ये रहा। है भाई ये देखो, ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। बहुत अच्छी फैसिलिटीज दी हैं मनाला ट्रेवल्स, मैं तो सजेस्ट करूंगा इस बस के लिए। ये देखो कितनी तो अभी हम आ गए हैं यहाँ पर रेस्टोरेंट रिजॉर्ट टाइप का। तो यहाँ बस रुकी है हमारी कुछ टाइम के लिए, यहाँ पे नाश्ता वास्ता करना है। अभी टाइम कितना हो रहा है, 9:50 हो रहा है टाइम। और यहाँ पर हमें एक भाई ने ज्वाइन किया है, क्या नाम बता दो? मैं नहीं बताऊंगा। स्नेहल भाई, ये भाई बनारस से है, बहुत अच्छा लगा भाई से मिलके। और यहाँ पे हमने अभी चाय पिया। ये है कैफे जहाँ हम रुके हुए हैं, वो हमारी बस खड़ी हुई है। लेकिन यहाँ बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है सब कुछ भाई, 40 रुपए की एक चाय, सोच रहे हो भाई कितना महंगा इधर।